मेरा मनोज खंडेलवाल, मैं उदयपुर से हूँ। मेरे को कान से सुनने में काफ़ी तकलीफ थी, लेकिन जैसे कान में आवाज़ आना और कभी कभी तो बिल्कुल ही सुनाई देता था मेरे को, विशेषकर इस लेफ्ट साइड से। मैंने तो सर अभी कम से कम आपका 6 महीने पहले होली के टाइम पर मैंने 70,000 की तो मशीन बनवाई है अभी 70,000, और डॉक्टर को इस समय 2-3 हज़ार रुपये कुछ मेडिसिन के प्लस दिखाने के दिए, और वैसे भी मैं बहुत जगह दिखा चुका हूँ, लेकिन वीडियो यूट्यूब पे और मेरे साथी हैं उनसे आपके बारे में सुना मैंने, तो फिर मैं आपके पास यहाँ आया। आपने कुछ ऑपरेशन सर्जरी नहीं किया, आपने बस मेरे से कुछ सवाल पूछे और मैंने उनके जवाब दिए, आपने मेरे को यहाँ चेक किया, टेस्ट किया और आपने बताया कि मेरे को सुनाई नहीं देना है, और आपने मेरी समस्या बताई कि आपकी ये कमजोरी है, तो आपको मेडिसिन देने के बाद ठीक हो जाएगी। और 2 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद मेरे को अच्छा ही फील हो रहा है। मेरे को पहले मैं जैसे बात कर रहा था तो इतना कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पा रहा था, और अभी मैं कॉन्फिडेंस से बात भी कर पा रहा हूँ और आपके शब्दों को समझ भी पा रहा हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हो और मैं क्या जवाब देना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे बाहर मैंने 3 साल से चेक करवाया, वो बोलते हैं मशीन लगा लो, आपकी नसें सूख गई हैं, और कम एज में मशीन लगाना एक तरह से अपने आपके कॉन्फिडेंस को गिराना, और मैं भी काफ़ी नर्वस हो गया था कि यार मेरे को मशीन लगानी पड़ेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम एक बार आप भी आके यहाँ देखें और ये मेडिसिन यूज़ करें। मेरे को तो 2 घंटे में, जैसे अभी मेरे को आए हुए में लगभग 10 बजे आया, और मेरे को लगता है टाइम शायद 1:30 या 2 बज गए होंगे अभी तक। तो इन्होंने मेरे को 2 महीने से आपका आधा घंटा तो इन्होंने मेरे को सलाह मशवरा किया, इन्होंने मेरी मेरे से किस सवाल जवाब पूछे, मैंने उनके दिए, उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि आपकी कमजोर है। इन्होंने फिर 2 घंटे के प्रोसेस में मेरे को दोनों कानों में दवाई डाली बारी बारी से, और अभी इन्होंने मेरा फिर से सवाल जवाब पूछे। तो मेरे को भी लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ सही जवाब दिए पहले से, और ऐसे लगता है कि कुछ सुधार हुआ है। और मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मशीन के बजाय यदि पर्सनलिटी ऐसी इम्प्रूवमेंट होती है, कानों को ऐसे सुनाई देता है, तो ये ज़्यादा बेटर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं यहाँ आया और मेरे को फायदा मिला।